जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही, बुढ़ापा पेंशन 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। बुजुर्गों की मौज, नया लेटर जारी है, हर महीने 7500 रुपये देगी हरियाणा सरकार। वहीं बात करते हैं इनोले की, सरकार बनने पे हरियाणा के बुजुर्गों को मिलने वाली 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन। अभय चौटाला ने कहा है कि फिलहाल जिन बुजुर्गों को 7500 रुपये मिल रहे हैं, उन्हें इनोले की सरकार बनने पर प्रति महीना 7500 रुपये ही पेंशन दी जाएगी। और इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में इनेलो सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। फिलहाल जिन बुजुर्गों को पेंशन के रूप में 7500 रुपये मिल रहे हैं, उन्हें इनेलो की सरकार बनने पर भी प्रतिमा 7500 रुपये ही पेंशन दी जाएगी। 20 फरवरी को नूह से शुरू होगी इनेलो की परिवर्तन यात्रा। अभय सिंह चौटाला नूह के IMT रोज का मेवा में हाजी शोभा खेड़ी कंकर द्वारा बुधवार को आयोजित इन वो लोग के विधायक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। नुह में इस सम्मान समारोह के दौरान अभय सिंह चौटाला का जोरदार से स्वागत किया है। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा है कि 20 फरवरी से इनेलो की परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत न्यू मेवा जिले के सिंगार गांव से की जाएगी। 7 महीने तक 4200 किलोमीटर चलने वाली पैदल यात्रा 90 विधायक क्षेत्र में पहुंचेगी। तो दोस्तों जो विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी, तो दोस्तों जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें।